नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के कुठेड़ा का एक 15 साल का बच्चा गत शाम से अचानक गायब होने का मिला समाचार। नहाने पहुंचे आदित्य के चेक डैम के पास से कपड़े और जूते हुए बरामद। पुलिस ने साथ लगती हुई खड्ड में भी बच्चे की तलाश की, लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगे। सलोनी की एक दुकान में लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जल गया। आग लगने से 15 से 20 लाख का हुआ नुकसान। हमीरपुर में सुबह के समय हुई तेज बारिश के चलते जनजीवन हो गया अस्त व्यस्त। हमीरपुर के साथ लगते हथली खड्ड पुल पर पानी जमा होने से पुल पर से वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित। पुल के ऊपर से पानी गुजरने से लोग भी हुए हैरान। हिमाचल प्रदेश में अभी और मौसम सताएगा। 17 से 18 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के उत्तरी जिला में बारिश से अति भारी बारिश की गई जारी चेतावनी।